मोहतरम हजरात सामईन किराम, हाजरीन मस्जिद, अजीज़ों और बुज़ुर्गों, मैंने अभी आप हजरात के सामने कुरान मुकद्दस की एक मुबारक आयत और अल्लाह के आखिरी पैगंबर मदनी आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुकद्दस फरमान पढ़कर सुनाया है। दुआ कीजिए रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इसकी रोशनी में मुख्तसर से वक्त में कुछ काम की और मुफीद बातें अर्ज़ करने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज रमज़ानुल मुबारक की 6 तारीख है और ये जुमे का बाबरकत दिन है। ये महीना भी बड़ी बरकत वाला है और ये दिन भी बरकत और अजमत वाला है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पुरजलाल में इस महीने की अजमत बयान फरमाई और इस दिन की भी अजमत बयान फरमाई। चुनाचे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। ये रमज़ान मुबारक की अजमत बयान की जा रही है और कौन बयान कर रहा है? अल्लाह ताला। बड़ा बरकत वाला है ये महीना और अल्लाह ताला जो खुद बरकत वाला है, बरकत पैदा करने वाला अल्लाह तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम, बरकत वाला है आपके परवरदिगार का नाम जो अजमत वाला है, जलाल वाला है, अजमत वाला है। तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ा बाबरकत है वो जिसके कब्जे में हुकूमत है। अल्लाह बरकत वाला, अल्लाह बरकतों को पैदा करने वाला, उस मालिक ने इस महीने को बरकत वाला बनाया है और यही नहीं बल्कि इस महीने में अल्लाह ने अपने बरकत वाले आजमत वाले कलाम को नाजिल फरमाया। फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान पाक को नाजिल किया गया। इसी के साथ साथ अल्लाह के आखिरी पैगंबर मदनी आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की आजमत और इस महीने की बुजुर्गी और फजीलत बयान फरमाई। फरमाया इज़ा जा रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नत, जब रमज़ान का महीना आ जाता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते। वउल्लिकतिन नार, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। साल के 12 महीने हैं मगर ये बात किसी महीने में नहीं होती, ये सिर्फ रमज़ान की बरकत है और रमज़ान की आजमत है। इज़ा दखला रमज़ान, जब रमज़ान दाखिल होता है, शुरू होता है, या इज़ा जा रमज़ान, जब रमज़ान का महीना आता है तो उसका एजाज देखो, दुनिया में इनकलाब, आलम आखिरत में इनकलाब, जन्नत में इनकलाब क्या है। फरमाया जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कोई भी जन्नत का दरवाजा बंद नहीं रहता। वउल्लिकतिन नार, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और कोई भी जहन्नम का दरवाजा खुला नहीं रहता। सवाल यह है, जन्नत के दरवाजे रमजान में खुलते हैं, इससे क्या फायदा? और जहन्नम के दरवाजे रमजान में बंद हो जाते हैं, इससे क्या फायदा? इसलिए कि आदमी जन्नत में कब जाएगा? कब जाएगा है भाई? मरने के बाद ना, आलम बरज़ख में जाने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, आलम हश्र में हिसाब किताब के बाद जन्नत में जाएगा ना। लेकिन हर रमजान में जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, इसका क्या फायदा? आदमी जहन्नम में कब जाएगा? मरने के बाद, उसके बाद फिर आलम महशर में हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाएगा। लेकिन ये हर रमजान में जहन्नम के दरवाजों के बंद होने का क्या मतलब है? जब हिसाब किताब के बाद जन्नत में दाखिला, हिसाब किताब के बाद जहन्नम में दाखिला, तो ये हर साल रमजान में
जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत वाले काम आसान कर दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद करने का मतलब यह है जहन्नम वाले काम मुश्किल बना दिए जाते हैं। आप देखिए कैसी आसानी हो जाती है नमाज पढ़ने में, और कैसी आसानी हो जाती शरीयत पर अमल करने में, और किस कदर आसान हो जाता है रोजा जैसी अदीमुशान पुरमशक्कत इबादत का रखना। तो बाहर सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमजान का महीना आता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते, यानी जन्नत वाले काम आसान। वगुल्लिकत नार, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जहन्नम वाले काम मुश्किल। फरमाया वसुफिदत शयातीन, और सबसे बड़ी शिकायत लोगों को यही होती है कि जी तो चाहता है नमाज पढ़ने का मगर शैतान पीछा नहीं छोड़ता। क्या बता, शैतान ने बहका दिया, गुनाह करा दिए। शैतान जो है उसी ने सब गड़बड़ कर रखा है। अल्लाह ताला क्या फरमाता, मेरे बंदो तुम्हारा उज्र कोई बाकी नहीं रहा रमजान के महीने में। तुम्हें मालूम है सुफिदत शयातीन, शैतानों को जकड़ दिया गया, बंद कर दिया गया। अब नाम ना लेना शैतान का, शैतान ने आने नहीं दिया और रोजा रखने नहीं दिया और नमाज पढ़ने नहीं दी और तरावी की नमाज में उसने बहका दिया, नाम ना लेना आप। वसुफिदत शयातीन, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। वनादा मुनादियन या बागियल खैर अकबिल व या बागिय शर अक्सर, और एक पुकारने वाला पुकार के कहता है हमने तो सुना नहीं लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया है आप सच्चे हैं, आपका फरमान सच्चा है। अल्लाह की तरफ से एक मुनादी, एक ऐलान करने वाला रोज ऐलान कर रहा है, या बागियल खैर अकबिल, अरे खैर की तरफ आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ जाओ और खैर से बरकतों से अपने दामन को भर लो। फिर ये मौका नहीं मिलेगा, फिर ये चांस नहीं मिलेगा, फिर ये नेकियों का सीजन बाकी नहीं रहेगा, फिर अल्लाह ताला की ये रहमत की फरावानी नहीं रहेगी, अल्लाह की रहमत इस दर्जा मुतवज्जे नहीं होगी। और या बागी शर सिर, और ए गुनाह करने वाले रुक जाओ, अपने ऊपर जहन्नम के शोलों को तेज ना करो। और देखिए रमजान का महीना बड़ा बाबरकत है, ये महीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया, और ये जो जुमे का दिन है ये भी बड़ा बाबरकत है, इसकी भी अल्लाह ने आजमत कुरान में बयान फरमाई। अल्लाह ने कुरान में जुमे की कसम खाई, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बाकायदा एक सूरत नाजिल फरमाई, उस सूरत का नाम है सूरह जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का है, ईद के दिन से भी ज्यादा अफजल, बकरीद के दिन से भी ज्यादा अफजल, इससे अफजल अल्लाह ने कोई दिन नहीं बनाया। मगर ईद के दिन हमारा हाल क्या है, ईद के दिन हमारे कपड़े कैसे होते हैं, पुराने होते हैं ना, ईद के दिन कपड़े नए, क्या क्या नया, क्या पैंट भी नई और टी शर्ट भी नई और बनियान भी नई और दस्ती रुमाल भी नया और जूते भी नए, हर चीज नई। और जुमे का दिन क्या है, ईद से ज्यादा अफजल, इसमें वही कपड़े पहन के चले आ रहे हैं, मैले भी हैं, गंदे भी हैं, और उनके ऊपर प्रेस भी नहीं है, और टोपी तो उसके धुलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, हो तो वही टोपी और कपड़े धुल भी जाते हैं, और कपड़े बदलते रहते मगर टोपी नहीं बदली जाती। ये तमाम है, ये रमजान, ये जुमे के दिन की नाकदरी है। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे ये नहीं हो सकता तुम जुमे के लिए एक अलाहिदा से जोड़ा बना लो, जुमे के दिन के लिए खास एहतमाम से एक जोड़ा बना लो जो जुमे के दिन पहना जाए, जो कीमती हो, ताकि इस दिन की फजीलत जाहिर हो। तो औरदे के जुमे का दिन भी बड़ा फजीलत वाला और रमजान का महीना भी बड़ा फजीलत वाला। अल्लाह ताला ने ये रमजान का महीना हमें फिर से अता फरमाया, फिर से मतलब इससे पहले भी रमजान का महीना हमें मिल चुका है, फिर से अल्लाह ने दिया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने रमजान का महीना नहीं दिया, वो दो तरह के लोग, एक तो वो हैं जो कब्रों में जा चुके,
एक वो है जिनके वहां रमजान आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, जैसे आम दिन वैसे रमजान का महीना, खा भी रहे पी भी रहे, नमाजों का एहतमाम नहीं, कुरान का एहतमाम नहीं, एक रोजा नहीं, एक तरावी नहीं, गालियां बक रहे हैं, ऐसे लोग आज कब्र में पड़े हुए हैं सब। मगर हाल उनका क्या है, हाल उनका क्या है? अगर अल्लाह उनको बात करने की इजाजत दे दे तो खुदा की कसम वो यही कहेंगे, हम तो भुगत रहे हैं, अजाम में मुब्तिला है, अगर एक तरावी की नमाज हम पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते, एक रोजा अगर ख्वाहिश के बावजूद रखना चाहें तो नहीं रख सकते, वक्त निकल चुका है। मियां तुम गफलत ना करना। और दूसरे अल्लाह के वो बंदे हैं जो गुज़श्ता साल रमजान में थे मगर वो सब नमाजी थे, एक रोजा उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, बूढ़े हो गए, शुगर के मरीज, थकन से दो चार, मगर कभी छोड़ा नहीं, कैसे रोजा छोड़ा जाएगा? इस साल रमजान के रोजे रख नहीं पाएंगे, एक कलक है, एक अफसोस है, कभी उन्होंने रमजान का रोजा नहीं छोड़ा, कभी उन्होंने नमाज तरावी को नहीं छोड़ा, लेकिन उनकी जिंदगी का पैमाना लबरेज हो गया, वक्त मुकर्रर उनका आ गया, अल्लाह ने उनको भी बुला लिया, वो भी कब्रों में आराम कर रहे। अल्लाह ने हमारे साथ क्या कर्म का मामला किया कि अच्छा इनको एक और दे दो रमजान का महीना, कि एक क्यों, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो दसियों रमजान हमें मिलेंगे, कहिए किसने देखा है, दसियों रमजान तो बड़ी बात है मियां, कल का भरोसा नहीं है, और कल भी बड़ी चीज है, पल का भरोसा नहीं है, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, और सामान सौ बरस का है, पल की खबर नहीं। फरमाया अनस, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न करना, जब रात हो तो सुबह का इंतजार, जो कुछ करना है कर लो रात में, और अनस जब सुबह हो जाए तो रात का भरोसे पे न रहना, ये काम रात को कर लेंगे, जो नेकी कर रहा है कर लो। तो अल्लाह ने ये रमजान का महीना हमें फिर से अता फरमाया, और उसूलन ये रमजान का महीना वैसे जाब्ते और कायदे के एतबार से अल्लाह को हमें देना नहीं चाहिए, जाब्ते के एतबार से, क्यों, इसलिए कि रमजान का महीना क्या है, नेमत है, और नेमत किसे की दी जाती है, किसे दी जाती है नेमत, जो नाकदरा हो ना उसी को दी जाती है ना, जो नाकदरा हो, जो नाशुक्र उसी को दी जाती है। इससे पहले जो रमजान के महीने अल्लाह ने हमें अता फरमाए, हमने उस नेमत की कितनी कदर की, नाकदरी की नहीं की, नाशुक्री की नहीं की, उसके नतीजे में उसका नतीजा भी हमने देखा, जब नाकदरी की और नाशुक्री की तो अल्लाह ने आंखों से उसका नतीजा दिखाया, और दो साल तक मुसलमान तड़पते रहे, और वो मस्जिद में आकर के तरावी की नमाज नहीं पढ़ सके। अरे हुआ या नहीं हुआ, चाहने के बावजूद जिनका जुमा कभी नहीं छूटा वो बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, जिंदगी में कभी जुमा नहीं छूटा और जुमा छोड़ना पड़ रहा है। अरे ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तरावी की नमाज नहीं, मस्जिद में हाजिरी नहीं, जुमे की नमाज नहीं, ईद की नमाज नहीं, ये सारी नेमतें थी जो अल्लाह ने हमसे छीनी, ये कोरोना रोना कुछ नहीं, ये नेमतें अल्लाह ने दी थी और अल्लाह ने छीनी, इसलिए किसी की औकात नहीं, किसी की भी साथ नहीं, कुछ दे सके और कुछ छीन सके। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, क्या फरमाया, उल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िरुल मुल्क मिम्मन तशा, अरे पैगंबर आप बता दीजिए, या अल्लाह आप हुकूमत के मालिक हैं, जिसको आप चाहते हैं हुकूमत देते हैं और जिससे चाहते हुकूमत को छीन लेते हैं, बंदे लाख कोशिश करें और लाख वो प्रोग्राम बनाएं, मंसूबे बनाएं, स्कीमें बनाएं, अल्लाह के सामने रोएं और गिड़गिड़ाएं और दुआएं मांगें, लेकिन नहीं, अल्लाह जिसको चाहेगा हुकूमत उसे देगा और तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएगी। है या नहीं,
जिसको अल्लाह हुकूमत दे रहा, जरूरी नहीं है वो अल्लाह का नेक बंदा हो, जरूरी नहीं है वो महबूब बंदा है, जरूरी नहीं कि उसके अंदर हुकूमत करने की लियाकत हो, सलाहियत, कुछ नहीं। अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह जो चाहता है करता है, अल्लाह के चाहने में हिकमत होती है। देखो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है और फिरौन की हुकूमत है। कैसी हुकूमत थी फिरौन की, अच्छी या खराब? क्यों भाई, कैसी थी? जालिम था ना, कितना बड़ा जालिम, 70,000 बच्चों का कत्लेआम कराया फिरौन ने, अंबिया की औलाद को जलील किया फिरौन ने। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, क्या दुआ मांगी, अल्लाह इसकी हुकूमत को मिटा दे, ये तेरे बंदों को गुमराह कर रहा है। रब्बना अतमिस अला अमवालिहिम वश्दुद अला कुलूबिहिम फला युमिनु हत्ता यरौल अज़ाबुल अलीम। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे, अल्लाह इसके माल बर्बाद कर दे, इसकी हुकूमत बर्बाद कर दे, इसका दिल सख्त कर दे, ये ईमान न लाए जब तक कि अल्लाह का अज़ाब न देख ले। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे, क्या चाहते, ये हुकूमत न रहे, हम लोग नहीं, बुजुर्ग नहीं, वली नहीं, कुतुब नहीं, अब्दाल नहीं, कौन दुआ कर रहा है, नबी, और नबी भी कौन, कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम, और दुआ करने के साथ साथ दूसरे पैगंबर हजरत हारून क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह जैसे मूसा कह रहे हैं हम भी यही चाहते हैं, ऐसे ही कर दीजिए। दो दो पैगंबर दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह क्या कह रहा है, कद उजीबत दावतुकुमा, ऐ मूसा और ऐ हारून तुम दोनों की दुआ कबूल हो गई, मगर फिरौन का बाल बेका नहीं हो रहा, फिरौन दंदना रहा है, फिरौन जुल्म ढा रहा है। दो दो पैगंबर दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह जमानत भी ले रहा है, तुम्हारी दुआ भी कबूल हो गई, लेकिन हुकूमत अपनी जगह पे कायम है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जब तक चाहता है और जिसको चाहता है और जिसमें हिकमत समझता है उस वक्त तक वो हुकूमत को बाकी रखता है, और जब चाहता है उसको उखाड़ करके फेंक देता है। 40 साल गुजरने के बाद फिरौन और फिरौनियों को अल्लाह ने डिबो के रख दिया और हुकूमत का खात्मा हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, हुकूमत किसी के बस में नहीं, हर चीज अल्लाह के कब्जे में है। बियदिहिल मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत जात है अल्लाह की जो हुकूमत देता है, जिसके कब्जे में हुकूमत है, जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता छीनता है। यही हाल का है कि हर नेमत का है, ये तरावी नेमत है, ये कुरान नमाज में नेमत है, ये रोजे नेमत है, ये रमजान का महीना नेमत है, ये नेमत अल्लाह ने 2 साल तक छीनी हमसे, किसी ने नहीं छीनी, अल्लाह ने छीनी थी। और क्यों छीनी थी? अल्लाह का कानून सुनिए, कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी भी कौम को कोई नेमत देने के बाद कभी नहीं छीनता, उसी वक्त छीनता है जब बंदे उसकी नाकदरी शुरू कर देते हैं, जब बंदे नाशुक्रे बन जाते हैं। इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, अल्लाह किसी कौम की नेमतों को तब्दील नहीं करता यहां तक कि लोग खुद अपने आप को, अपने रवैये को, अपने आमल को, अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को लोग बदल डाले, नाशुक्रे बन जाए। नाशुक्रे हुए, नाशुक्री की नहीं की, क्या है नाशुक्री, क्या थी नाशुक्री? तरावी जैसी नमाज ये किसी पैगंबर की उम्मत को नसीब नहीं हुई, मिली किसी नबी की उम्मत को? अरे तरावी थी किसी उम्मत में, रोजे तो थे हर नबी की उम्मत में, नमाजें थी हर नबी की उम्मत में, मगर तरावी किसी नबी की उम्मत में? क्यों? कुरान ही नहीं था किसी नबी की उम्मत? शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीही अल-क़ुरान, ये रमजान का महीना है, इसमें कुरान, इस उम्मत के लिए तरावी की नमाज। इस तरावी की नमाज की नाकदी मुसलमानों ने कैसे कैसे की आप बताइए। अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इस नेमत में क्या होता है, यानी रोजाना वैसे तो 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, मगर रमजान के महीने में एक खास नमाज है, वो कौन सी है बोलो ना, कौन सी है? अरे रमजान में खास नमाज कौन सी पढ़ा दी जाती है? नहीं मालूम, तरावी की नमाज है या नहीं?
रबी अव्वल में कोई पढ़ के दिखाए, रजब में कोई पढ़ के दिखाए, गुनाह होगा गुनाह, बिदात हो जाएगी। ये सिर्फ रमजान के महीने की बरकत। क्या होता है तरावी की नमाज में 20 रकातें, 20 रकातों में कितने सजदे होते हैं हिसाब लगाओ, दुकान पे बैठते तो बड़ी जल्दी हिसाब आता। 40 सजदे, और हर सजदा काहे के लिए होता है पता है? हदीस में बंदा अल्लाह से इतना करीब होता है सजदे में, इतना कभी भी करीब नहीं होता। सूरह इकरा पहली सूरत जो नाज़िल हुई खत्म, और उसकी आखिरी आयत का तर्जमा देख लीजिए, यही है क्या, हमारे करीब आ जाओ। कैसे आए? का सजदा करो मेरे करीब आ जाओ, सजदा करो मेरे करीब। अल्लाह के करीब आने का तरीका सजदा है। रमजान के महीने में अल्लाह ने 40 सजदे और रख दिए। बहुत दूर निकल गए तुम, करीब आ जाओ मेरे। अल्लाह ताला अपने करीब बुला रहा है, और हम लोग क्या कह रहे हैं, अल्लाह इतना करीब हम नहीं आना चाहते। आप हमें बहुत करीब कर रहे हैं, हमें इतने करीब आने की जरूरत नहीं है। इसलिए 6 दिन में तरावी की नमाज हमारी खत्म हो गई। जिन्होंने 5 पारे पढ़ लिए उसके बाद अब वो 20 रकातें माफ हो गई उनकी। अल्लाह नवाजना चाहता है, ये जालिम नाकदरे हैं, ये कहते हैं हमें नहीं जरूरत है। अनुल्ज़िमुकुमुहा वअन्तुम लहा कारिहून, अल्लाह कहता कि हम तुम्हें चिपका देंगे तुम्हारे ऊपर और तुम उसे नागवार समझोगे। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह गयूर है, अल्लाह ने हैरत को पैदा किया है। अगर कोई मेहमान आता है और देखता घर वालों को मुंह बिगड़े हुए हैं, गैरतमंद मेहमान कदम नहीं रखता। अल्लाह से ज्यादा गैरत वाला कौन होगा साहब? वो 6 दिन के अंदर तरावी खत्म, हमें करीब आने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने क्या कहा, 10 दिन के बाद हम भी, इतना कुर्ब हमें नहीं चाहिए। जैसे जैसे रमजान बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी बरकतें बढ़ रही हैं। शुरू रमजान से पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा क्या है मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी, अखीर अशरा तो रमजान के महीने का निचोड़ है, खुलासा है, इत्र है, सबसे कीमती अशरा है। इसी में शब कद्र की रात है। शब कद्र तक पहुंचते पहुंचते मस्जिदें हो गई खाली, तरावी पढ़ने वाले ही नहीं रहे। अरे ये हकीकत है या नहीं बताइए? अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत की जब नाकदरी होगी, नाशुक्री होगी तो क्या है? अल्लाह ताला का कानून यह है, अगर शुक्र अदा करोगे तो नेमत को महफूज भी रखेंगे और फरमाया नेमत में इजाफा भी करेंगे, और अगर नाशुक्री करोगे तो हमारी सजा बड़ी सख्त है, हम नेमतें छीन लेंगे। ये 2 साल अल्लाह ने झलकी दिखाई खाली, मगर होश हमें अब भी नहीं आया। इसलिए अल्लाह के बंदो, ये रमजान का महीना जो अल्लाह ने अता फरमाया है, इसकी कदर करेंगे नहीं करेंगे? बोलो, इसकी कदर कैसे होगी, कैसे होगी कदर इसकी? तरावी कब से शुरू होती है? का चांद देख करके शुरू करो और चांद देखकर खत्म करो। अगर इससे पहले आपने खत्म कर दी तो आप नाशुक्रे हैं, आप नाकदरे हैं, आपको नेमत अच्छी नहीं लग रही। कहते हैं इनको दौलत रास नहीं आई, इनको इज्जत पसंद नहीं आई, यानी अल्लाह हम इज्जत तो नहीं लेना, हम तो जलील ही होना चाहते, हमें नेमतें नहीं चाहिए, हम फकीर और गदा और भिखारी ही बनना चाहते हैं। तो जाहिर बात है ऐसे लोगों के साथ क्या मामला होना चाहिए? जो कद्र करे उसे नवाजा जाता है, जो नाकदरी करे उसे महरूम कर दिया जाता है। मेरे भाइयों और मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने यह रमजान का मुबारक महीना अता फरमाया, और इस महीने में अल्लाह ने 2 खास इबादतें रखी हैं, एक है रोजा और एक है तरावी की नमाज। रोजा ये तो खास कहा है रमजान के साथ, शाबान में भी रख सकते हैं, रबीउल अव्वल में भी रख सकते हैं। क्या वो जो रख सकते हैं वो नफली रोजा है, फर्द रोजा नहीं? फर्द रोजा कब रख सकते हैं आप? खाली रमजान के महीने में। और दूसरी तरावी की नमाज,
مگر روزہ ہر نبی کی شریعت میں, اور تراوی کی نماز ہر, اور تراوی نہیں نماز ہر نبی کی شریعت میں, ہر نبی کی شریعت میں نماز فرض, ہر نبی کی شریعت میں روزہ فرض, مگر اس امت کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے. مگر جتنا انعام بڑا ہوتا ہے ناشکری کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے. اس امت کے ساتھ خاص انعام, کیا خاص انعام ہے صاحب؟ اللہ نے روزے ضرور رکھے اس کے ساتھ, مگر روزوں میں آسانی, نماز میں آسانی, بڑی رعایت, بڑی سہولت دی, سب سے اعلیٰ درجے کا نبی عطا فرمایا, سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب عطا فرمائی, سب سے اعلیٰ درجے کا قبلہ عطا فرمایا, سب سے اعلیٰ درجے کی شریعت عطا فرمائی. اتنی آسان شریعت, خصوصی رعایت اس امت کے ساتھ. دوسری امتوں کے وہاں اگر کپڑے پہ اگر نجاست لگ گئی تو پاک کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس کو کاٹنا پڑتا تھا. اگر دامن پہ لگی دامن کٹ گیا, آستین پہ لگی آستین کٹ گئی, پائچے پہ لگی پائچہ کٹ گیا. اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں, چاہے جیسی نجاست ہو, تین مرتبہ اس کو دھویا اور نچوڑ دیا, وہ پاک ہو گئی. اگر دھبا لگا ہوا ہے اب بھی نچوڑنے کے بعد بھی نشان ہے نجاست کا, دھبا نظر آ رہا, کہا یہ پاک ہے, تم نماز پڑھ سکتے ہو اس پہ. صابن سے کیمیکل سے جائے گا, چلا جائے, یہ طبیعت کے خلاف ہے, اچھا نہیں لگ رہا ہے, لیکن پاک ہے وہ. اور اگر قالین ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کریں گے؟ محمود نگر کے لوگ کیسے پاک کریں گے؟ اسے کیسے نچوڑیں گے؟ تین مرتبہ نچوڑ رہا اور قالین اتنا موٹا, تو پھر یہ پاک ہی نہیں ہوگا. کہ نہیں پاک ہو گئی ہے. امام حنیفہ سے پوچھو, امام مالک سے پوچھو, امام شافعی سے پوچھو, امام احمد بن حنبل سے پوچھو, یہ امت کے فقہا اور علماء ہیں. ایک مرتبہ قالین کو دھویا اور ٹانگ دیا, قطرے ٹپکنا بند ہو گئے, پھر دوبارہ پھر دھویا, پھر اسے ٹانگا اور قطرے ٹپکنا بند ہو گئے, پھر تیسری مرتبہ دھویا قطرے ٹپکنا بند ہو گئے, یہ پاک ہو گیا, یہ نچوڑ گیا. تو غرضے کی دوسرے پیغمبروں کی شریعت میں کیا یہ سخت حکم ہے؟ یہ ہماری شریعت میں کیا حکم ہے؟ تین مرتبہ دھویا اور اس کو نچوڑ دیا, پاک ہو گیا, ہے یا نہیں؟ نماز دوسری پیغمبروں کی شریعت میں تھی تو, مگر مسجد ہی میں نماز پڑھ سکتے ہو, اور کہیں نماز نہیں ادا ہو, کہیں بھی ہو, نماز کے وقت میں مسجد پہنچنا ضروری تھا. عالم باغ میں ہے اور مغرب کی نماز پڑھنا ہے, اور وہ میمون نگر ہی میں پڑھ سکتا ہے, یہی مسجد ہے, اور کام بھی نہیں ہوا, اور مرتے کھپتے وہاں سے واپس آنا ضروری ہے, نماز مسجد ہی میں ہوگی. اس امت کی خصوصیت کیا ہے؟ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میری امت کے لیے اللہ نے ساری دنیا کی زمین کو پاکی کا بھی ذریعہ بنا دیا, اور اللہ نے مسجد بھی بنا دیا, جہاں وقت ہو جائے وہاں نماز تم ادا کر سکتے ہو. نہ مسجد میں, نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں, کھیت میں, کھلیان میں, ایئرپورٹ پر, اسٹیشن پر, جہاں موقع ہو جائے, آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روحوں کے قدم بوس ہوئی قوم حجاز. یہ کیا ہے؟ یہ سہولت اللہ نے عطا فرمائی. وضو ضروری ہے نماز کے لیے, اور پانی ہے ہی نہیں. کیا ہے بھائی؟ ان سے پوچھئے, ان سے کیا ہوا, تمہیں کیا ہوا؟ نماز کے لیے وضو ضروری ہے اور پانی ہے نہیں. ہے تو پانی تھوڑا سا ہے, اگر وضو کر لیں گے تو پیاسے مر جائیں گے. شریعت کہہ رہی ہے وضو نہ کرو, پینے کے لیے پانی رکھو. پھر اللہ, نماز بھی تو ضروری ہے اور وقت پر ضروری ہے. اللہ فرماتا, جو کسی امت کو نہیں دیا تمہیں دیے دیتے ہیں, تم کر تیمم کر لینا, یہ تیمم کی اجازت. اسی طریقے سے کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے, بیٹھ کے پڑھ لینا. بیٹھنے کی طاقت نہیں رہی, لیٹ کے پڑھ لینا. رکوع سجدہ نہیں کر سکتے, اشارے سے پڑھ لینا, مگر پڑھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اللہ نے اس امت کی مدد فرمائی. کیا مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ دیکھو تمہاری عمریں کم ہیں اور پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی, تمہاری مدد کیے دیتے ہیں. کاہے سے؟ مقامات سے اور اوقات سے. مقامات کا مطلب کچھ ایسی جگہیں دنیا میں ہم دیے دیتے ہیں, عمل تمہارا تھوڑا ہوگا ثواب زیادہ ہوگا,
एक नमाज घर पे पढ़ोगे एक नमाज का सवाब मिलेगा, मस्जिद में आ जाओगे तो 27 नमाज का सवाब मिलेगा, अगर जामे मस्जिद में पहुंच जाओगे तो 500 नमाजों का सवाब मिलेगा, अगर मस्जिद अक्सा में यही नमाज अदा करोगे 1000 नमाजों का सवाब मिलेगा, और मस्जिद नबवी में अगर पहुंच जाओगे तो कितना 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा, और अगर हरम शरीफ में पहुंच गए तो एक नमाज पढ़ोगे सवाब कितना 1,00,000 नमाजों का, एक रकात 1,00,000 रकात के बराबर, एक कुरान 1,00,000 कुरान के बराबर। मगर हर आदमी कहां पहुंच पाएगा मक्के, हर आदमी कहां पहुंच पाएगा मदीने। अल्लाह फरमाता नहीं, मुझे एहसास है तुमको हमने गरीब बनाया है, तुम दूर हमारी वजह से हो, लिहाजा तुम्हें कुछ औकात हम ऐसे अता किए देते हैं जिनके अंदर तुम्हारी थोड़ी सी नेकी बढ़ जाएगी। वो औकात क्या है? का शबे बारात तुम्हें दे देंगे, रमजान का महीना तुम्हें दे देंगे, और रमजान का महीना हर जगह आएगा, तुम नफिल पढ़ोगे तो सवाब फर्द के बराबर मिलेगा, और अगर रमजान में फर्द अदा करोगे एक फर्द अदा करोगे तो कितना मिलेगा 70 फर्दों के बराबर। अभी जुमे की नमाज पढ़ेंगे, आम दिनों में एक जुमे की नमाज है, रमजान में एक जुमा पढ़ेंगे तो क्या हुआ, ये 70 जुमे हमने पढ़ लिए, और कितने जुमे रमजान में है 4 या 5, सोचिए कितना होगा। ये अल्लाह की तरफ से मदद हो रही है, फरमाया रोजा भी हर उम्मत के ऊपर हमने फर्ज किया था, मगर आसानी इस उम्मत को अल्लाह ने बहुत अता फरमाई। क्या आसानी अता फरमाई? कर रोजे में खाने पे पाबंदी है ना, और पीने पे पाबंदी, मगर बोलने पे कोई पाबंदी है? अरे बोलने पाबंदी रोजे में कोई पाबंदी? पहली उम्मतों के लिए जो रोजा था, खाना भी मना और पीना भी मना और बात करना भी मना। हजरत मरियम कहती है इन्नी नज़रतुल रहमान सौमा फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, आज मैंने मन्नत मानी है, रोजा रखा है, आज मैं किसी आदमी से बात नहीं करूंगी, मानो बात करने पर भी पाबंदी थी। दूसरी चीज, रोजे का टाइम क्या था? कहा जैसे ही रोजा खोला और आंख लगी बस दूसरा रोजा शुरू। अब ये कब खुलेगा रोजा? कल। इतने लंबे लंबे रोजे इस उम्मत के लिए अल्लाह ने आसानी क्या की है? फरमा इफ्तार हो गया, अब इफ्तार के बाद सारी रात पड़ी हुई है, कुलू वश्रबू हत्ता यतबयन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, खाओ और पियो, यहां तक कि काला धागा और सफेद धागा दोनों अलग अलग हो जाए, यानी फजर का वक्त हो जाए, तुलुए सुबह साजिद, उस वक्त तक तुम खा सकते हो। ये रियायत है नहीं अल्लाह ताला की तरफ से? और एजाज सुनिए क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, ये तुमने रोजा रखा है, एक इनाम तो रोजा नाम तुम्हें दे, और गैर रोजादार मर जाएगा कभी उसको इनाम ये नसीब नहीं होगा। एक इनाम हर रोजेदार को रोजाना, क्या लिसाइनी फरहतान, रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं, फरहतुन इंद फितरी व फरहतुन इंद लिकाए रहमान, एक खुशी उस वक्त नेमत मिलती है जब वो रोजा खोलता है। जब आदमी रोजा खोलता है तो कैसा लगता? खाने में मजा आता नहीं आता? अरे पीने में आता है नहीं आता है? पूरे साल कभी ये मजा नसीब नहीं होगा, और जिसने रोजा नहीं रखा उसको इस लज्जत का पता ही नहीं, ये कैसी लज्जत है, ये कैसा मजा है। अजीब गरीब अल्लाह ताला ने ये इनाम अता फरमाया, ये रोजेदार को नसीब होता है। और क्या कहा, ये अर्श आदम को उठाने वाले फरिश्ते हैं, उनसे खुदा ने कह दिया अर्श के पाए छोड़ दो, ये मेरे जो रोजेदार बंदे हैं, इफ्तार का सामान रखे हुआ है सामने, ये जो दुआएं कर रहे हैं तुम्हारी ड्यूटी है, आमीन कहोगे इस पे। ये रोजेदार का एजाज है, एजाज खत्म नहीं हुआ, आखिरत में पहुंचे मैदान महशर है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, प्यास है, जबरदस्त धूप है, लोग हिसाब किताब में फंसे हुए हैं, एक जगह दस्तरखान बिछा हुआ है और लोग वहां खाना खा रहे, ये कौन लोग है भाई? सब तो फंसे हुए, ये कौन है? तो ये वो हैं जब दुनिया खाती थी या नहीं खाते थे, जब दुनिया पीती थी अल्लाह की रजा के लिए नहीं पीते थे, ये रोजेदार लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक और एजाज करेगा रोजेदार का, वो क्या? जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं।
इन आठ दरवाजों में से एक खालिस दरवाजा रोजेदारों के लिए है, किसी की औकात नहीं जो उसमें दाखिल हो जाए। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज अलग हो जाओ, इफ्तार पार्टी में तुम शरीक हो जाते थे धोखा दे करके, रोजा नहीं रखते तो रोजा खोलने में शरीक थे, ये खुदा का दरबार है, मुजरिमों अलग हो जाओ, ये बाबुर रैयान है, इससे सिर्फ रोजेदार को दाखिला मिलेगा। और आखिरी एजाज जो रोजेदार को अल्लाह अता फरमाता वो क्या है बताए, अल्लाह ताला ने कह दिया अस्सौम ली व अना अजजी बिही, रोजा तो मेरे लिए है और नमाजें किसके लिए, अल्लाह के लिए ना, जकात अल्लाह के लिए, सारे इबादत अल्लाह के लिए, अगर अल्लाह के लिए नहीं तो इबादत कबूल नहीं, मगर अल्लाह ने सिर्फ रोजे के बारे में कहा रोजा मेरे लिए, यानी रोजा एक ऐसी इबादत है जो फरिश्तों को भी पता नहीं, जो फरिश्ते लिखते हैं ना, इसने नफिल पढ़ी, इसने एक कुरान पढ़ा, इसने एक गुनाह किया, इनको भी नहीं पता रोजे से है या नहीं। इसलिए रोजा सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं, खाने पीने और ख्वाहिश को छोड़ने का नाम नहीं है, खाने पीने और ख्वाहिश को छोड़ देना नीयत के साथ, और नीयत नाम है दिल के इरादे का, और दिल का हाल अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, किरामन कातिबीन भी नहीं जानते, पता नहीं रोजे से है या नहीं है, खाली शक्ल बनाए हुए रोजे का। अल्लाह कहता रोजा मेरे लिए, वाना अजजी भी, मैं खुद इसका बदला अता करूंगा। और अल्लाह जब बदला देगा तो कैसे देगा, हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से, अपने हिसाब से देगा। और अल्लाह जो अपने हिसाब से देगा उस बदले को हम सोच भी नहीं सकते, हमारा तसव्वुर और हमारा दिमाग भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। इंसान का दिमाग सबसे तेज है, सबसे तेज इंसान का दिमाग, आंखें काम करती हैं, कहां तक, जहां तक आंखें देख रही वहां तक काम किया, कान जहां तक आवाज आ रही वहां तक सुना, जब आंखें देखना बंद कर दें, कान सुनना बंद कर दें, तो दिमाग की पिक्चर शुरू हो जाती है, ये बहुत दूर तक जाती, पता नहीं क्या क्या सोच लेता है आदमी इस दिमाग के जरिए से। आदमी चला गया, अब आंखों से दिख भी नहीं रहा है, मगर सोच रहा है अब फुला जगह पहुंच गए होंगे, अब फुला जगह पहुंच गए होंगे, अब फुला जगह पहुंचे होंगे, दिमाग चल रहा है ना, निगाह तो चंद कदम जाके रुक गई, लेकिन ख्याल उनके ताकुब में दूर तक पहुंचा, दिमाग वहां तक पहुंचता, वहां कोई चीज नहीं पहुंच सकती। मगर अल्लाह रोजेदारों को क्या अता फरमाएगा, ये एक ऐसी नेमतें हैं जहां इंसान का दिमाग भी आजिज है, दिमाग भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये रमजान का अल्लाह का महीना, अल्लाह ने महीना फिर से अता फरमाया है, इसकी कद्र कर लीजिए। और कोई आदमी एक रोजा, एक तरावी अपनी मर्जी से नहीं रख सकता जब तक अल्लाह तौफीक न दे, गुनाह से नहीं बच सकता। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ मांगना चाहिए, और क्या दुआ मांगना चाहिए, अल्लाह के नबी पर हजारों हजार सलाम हो, आपने अपनी उम्मत को यतीम और लावारिस नहीं छोड़ा, हर चीज सिखाते चले गए। कहा देखो, हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ जरूर पढ़ना, वसीयत है हुजूर की, हर फर्ज नमाज के बाद नागा ना करना, ये दुआ जरूर पढ़ना। इतने बैठे होंगे माशाल्लाह, थोड़े लोगों को याद होगी, वरना याद भी नहीं हो, याद करने का इरादा, कोई अहम चीज है, डॉक्टर कह रहा है कि देखो हर चीज खाना चाहे छोड़ देना, ये टेबलेट ना छोड़ना। अल्लाह के नबी कह रहे हैं हर फर्ज नमाज के बाद जहां तक तुमसे हो सके इस दुआ को जरूर पढ़ना, नागा ना करना। बड़ी अहम वो दुआ, क्या दुआ है वो, اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, पढ़ो اللهم اعني, नहीं आवाज आ रही, اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك। माने क्या है, अय अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरा जिक्र कर सकूं, तेरा शुक्र अदा कर सकूं और तेरी अच्छी इबादत कर सकूं। हर नमाज में जब मांगोगे, जोहर में मांगोगे तो असर की तौफीक मिलेगी,
असर में मांगोगे तो मगरिब की तौफीक मिलेगी, मगरिब में मांगोगे ईशा की तौफीक मिलेगी, ईशा वक्त में मांगोगे फजर की तौफीक मिलेगी। अल्लाह कुछ नेमतें ऐसी कहता हम देंगे तो इन बंदों को, मगर जब तक मांगेंगे नहीं देंगे। तो ये सलाम हो अल्लाह के नबी, भाई पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, याद करेंगे, अल्लाह इन गुजारिशात को कबूल फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।